यहाँ मैं 10 तारीख को आया और मैंने गणेश चतुर्थी का पवित्र ये माहौल है और पवित्र माहौल में मुझे बहुत कुछ ज्यादा कहने का नहीं है। सबसे पहले मैं सुनील देवदास जी जो हमारे पुराने मित्र हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत शाम आज गणेश जी का दर्शन करने का, उनको पूजा करने का और यहाँ दिया जलाने का मौका मिला। और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ साथ हमारे दोस्त राधे भसन राठौर जी, हमारे अजय निषाद जी और बाकी जितने भी जो यहाँ आए हैं सबको एकत्रित करने का मौका मिला। और आज हमारे भारत के बहुत ही मजबूत यशस्वी और जिसको दुनिया भर में उसके दूरदर्शिता को सब जानते हैं पहचानते हैं ऐसा नेतृत्व करने वाला भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के मौके पर गणेश जी का दर्शन उसका पूजन करने का मौका दिया, ये हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र वक्त है। और ऐसे समय हम मानते हैं कि जो चीज हम देश समर्पित भाव से काम कर रहे हैं उसको और गति मिल सकता है। वो जो हमने अपने हाथों में देश के लिए काम करने के लिए जो हमने जिम्मेदारी ली है उसको और अच्छी तरह से काम कर सके, यही भगवान से हम पूजा करते हैं, उनसे हम दुआ करते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। और साथ साथ साल में ऐसा कुछ मौके आते हैं उसमें हम अपने आप को भगवान के दर्शन करते ही हैं, साथ साथ हम अच्छे इंसान बने हैं, हम अच्छा काम कर सके देश के लिए, ये हम हमेशा कोशिश करते हैं। सुनील जी का जो माय होम इंडिया है, कई सालों से माय होम इंडिया का संगठन काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे बहन ये जो जंतिया हिल से आई है, दुनिया का सबसे पुराना दुर्गा पूजा वो भी जंतिया हिल्स में होते हैं, दुनिया का, सिर्फ भारत का ही नहीं दुनिया का, कितना हजार साल पुराने वहाँ। आप कभी मौका मिलेंगे आप मेघालय जाएंगे और नारतियांग जो गांव है वहाँ आप लोग जाएंगे, वो पत्थर को देखेंगे, वो मूर्ति को देखेंगे, वो जगह को आप जब रूबरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश का संस्कृति कितना व्यापक है और कितने प्राचीन है, वो अपने आप अंदाजा हो जाता है। तो ऐसा ऐसा जगह है, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ परशुराम कुंड है, मालिनी थम है मेरे जो अरुणाचल प्रदेश, ऐसे पूर्वोत्तर में अनेकों जगह जो भारत का प्राचीन पहचान हमारे सभ्यता को जोड़ता है। तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट को जुड़ने के लिए कई सालों से सुनील जी लगातार काम कर रहे हैं, बच्चों को साथ में लेकर के इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलते हैं और संस्कृति के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनसे, राजनीतिक क्षेत्र में तो वो है ही है। तो इस तरीके से जो लोग माय होम इंडिया के काम करने का जो प्रक्रिया है उसको जानते हैं, उसके बारे में मुझे कहीं कुछ और बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने सुनील देवदास जी का काम काज को नहीं देखा है, आप एक बार करीबी से उसको जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक तपस्या लेकर के दिल में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत एक बहुत बड़ा देश
और इस देश को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए जो हमारी पहचान है, उस पहचान के उस धरा को आगे लेके चलने का सुनील देवदास जी काम कर रहे हैं। तो मैं आज इस पवित्र दिवस पर इस बहुत ही हम लोगों का एक विशेष जो आज गैदरिंग हुए हैं, इसके मौके पर मैं सुनील जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप ऐसा ही काम करते रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता तो ही है, लेकिन उससे बड़ा आप एक देश के लिए समर्पित से काम करने वाला देश का आप एक सेवक है। ये मैं आपको देखता हूँ, हमेशा सुनता हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी के 71st बर्थडे का जो दिया आपने हम सबके हाथों से जलवाया है, ये दीपक का जो रोशनी आपने आज यहाँ हम लोगों के सामने में जो रखा है, इसी के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब एक फक्र महसूस करते हैं, बहुत ही हम गर्वान्वित होते हैं जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचते हैं कि इस देश को ऐसा नेतृत्व मिला है, और ये देश तो मामूली देश नहीं है, और ऐसे देश को ऐसा ही नेतृत्व हम लोग को चाहिए था जो आज हमको मिला है। तो हमारा प्रधानमंत्री लंबा आयु हो, कई साल तक वो अपने देश का सेवा और करते रहे, यही हम दुआ करते हैं, भगवान का हम प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ हमारे साथ में जितने आज गणपति पापा का गणेश जी का पूजा में जितने हम लोग का यहाँ आए हैं, पूजा में सम्मिलित हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको मजबूत रखें, आपको आशीर्वाद दें, आपका परिवार को, आपके पूरे अपने जितने भी जो आपके करीबी लोग हैं सबको सुखी रखें, सबका आशीर्वाद दें। इसी को सब शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से इस एक बहुत अच्छा अवसर पर मिलने का मौका मिला। सुनील देवदास जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। जब 2008 में आप लोकसभा में सांसद थे और केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय नॉर्थ ईस्ट की कितनी बुरी अवस्था थी आपको पता है, और माय होम इंडिया के एक ग्लिम्स ऑफ अवर नॉर्थ ईस्ट नाम के प्रोग्राम में मुंबई में केसी कॉलेज में आपको बुलाया था। उस समय का जो भाषण था इतना बेहतरीन भाषण था, मैंने कहा कि उस भाषण की पुस्तिका बनानी चाहिए, और हमने उसको बनाकर बांटा था। उसमें आपने एक बात कही थी, लिसन, किरेन रिजिजू जी प्रेडिक्टेड इन 2008 दैट टुडे वी से दैट इंडिया एंड्स विद द नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो अंत होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, बट ए डे विल कम व्हेन वी ऑल विल से इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है, ये किरेन जी ने कहा था। और नरेंद्र मोदी जी ने गए 7.5 साल में जो करिश्मा करके दिखाया है नॉर्थ ईस्ट में, हमेशा वो बताते हैं कि मैंने नॉर्थ ईस्ट को हीरा दिया है, HIRA हीरा दिया है, H फॉर हाईवे, I फॉर हाईवे, R फॉर रेलवे और A फॉर एयरवे, इतना जबरदस्त कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट का बड़ा है, ओवरऑल डेवलपमेंट वहां पर हुआ है। इसलिए आज इस 71वें बर्थडे पर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि हमें कहीं मोदी जी का जन्मदिन मनाना है, तो मैं इस नए आवास में आया था, मैंने सबको बताया कि यहाँ पर हम बुलाए बताए बनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। तो मैंने पूछा आपको किसको बुलाना है, तो सबने एक स्वर में कहा हमें किरेन रिजिजू को बुलाना है। उन्होंने सर्वानंद सोनोवाल को भी बुलाया था, लेकिन आज वो प्रवास पर चले गए। तो साथियों, नॉर्थ ईस्ट के राजकुमार रंजन जी भी आकर आरती करके गए हैं, प्रतिमा भौमिक जी भी यहाँ पर आकर आरती करके गई है, नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री 5 ministers आउट ऑफ 2 आर कैबिनेट मिनिस्टर्स आर गिवन टू नॉर्थ, कैबिनेट बर्थ आर गिवन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ओवरऑल 5 ministers, इतना ख्याल नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट का रखते हैं।
ये आप सबको बताने के लिए ये ओकेजन अभी नहीं है। हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के लंबे आयु के लिए कामना करते हैं और मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बताता हूँ। आप आए इसलिए धन्यवाद। हाँ, और बाद में मैं सबका कुछ मोमेंटो से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे फेलिसिटेशन। धन्यवाद भारत के लॉ मंत्री और मेरे मित्र श्री किरण जी यहाँ पर उपस्थित, अजय जी और हमारे खास आज इस पूरे कार्यक्रम की जिसने रचना करी वैसे सुनील जी यहाँ पर उपस्थित, सभी मेरे युवा साथी और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट से आए हुए मेरे युवा साथी, आज का शुभ अवसर है, शुभ दिन है। गणेश जी की यहाँ पर पूजा हुई, अर्चना हुई उनकी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के युवा साथियों ने करी और खासतौर से आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। एक ऐसे व्यक्ति जो भारत माँ के एक लाल हैं, सुपुत्र हैं और पूरे देश के एक आइकॉन हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है नए भारत का निर्माण करने के लिए। और नया भारत का निर्माण कभी भी बिना युवाओं के नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमेशा युवाओं को याद करते हैं, उन्हें आह्वान करते हैं फिट रहने के लिए, बेहतर बनने के लिए, अपने अपना पूरा समर्पण भारत को देने के लिए। और ये हमारे सबके लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी पीढ़ी में जन्मे हैं, एक ऐसे समय में जन्मे हैं जिस समय में भारत पूरी दुनिया के अंदर सर्वोच्च देश की तरह आगे बढ़ रहा है। आज ज्यादा न कह के एक बार यही मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे व्यक्ति जो हमारे आइकॉन हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करना, और हम जरूर उसमें कामयाब होंगे अगर हम कोशिश करेंगे कि हम भी थोड़ा उनकी तरह बने, उनकी तरह समर्पित होकर काम करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब मजबूती से आगे बढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। सुनील जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट के और एक केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी को, जो खास करके चाय बागान के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी इनवाइट किया था। उन्होंने कहा था अगर ये दो दिनों में दिल्ली में मैं रहा, आप आया, तो मैं जरूर यहाँ पर आऊंगा। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट की बेटियों को निवेदन करता हूँ कि गणपति बाप्पा की एक प्रतिमा, और आजकल मैं आंध्र प्रदेश का सह प्रभारी हूँ, जोवाई की है, डीयू में एमए कर रही है, गणपति बाप्पा किरण जी, गणपति बाप्पा विद्या के, कला के, ज्ञान के देवता है, साहित्य के भी भगवान है। दत्तोपंत ठेंगड़ी वॉज ए पार्लियामेंटेरियन फॉर 12 इयर्स एंड ही इज अवर ग्रेटेस्ट आइडियोलॉग, फाउंडर ऑफ भारतीय मजदूर संघ, यू नो हिज स्पीचेस इन पार्लियामेंट आर कंपाइल्ड इन दिस बुक, सो टुडे वी हैव प्रेजेंटेड दिस बुक टू यू। ये अरुणाचल की बिटिया है किरण जी, ये अरुणाचल की बिटिया, ये तावांग से ही है, लेकिन इनके यहाँ तो हम राज्यवर्धन जी का सम्मान करेंगे, अरुणाचल सम्मान करेगा राजस्थान का। भारत माता की दक्षिण की शॉल देकर, गणपति बाप्पा की प्रतिमा देकर, वंदे मातरम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सामाजिक समरसता के ऊपर किताब लिखी है उसको आपको भेंट करेंगे, वंदे मातरम। मणिपुर से हमारी बहना है जो सम्मान करेगी सांसद अजय जी का, यहाँ आ जाओ। भारत माता की जय, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मगर मूर्ति मोरया। अब तो भी सामाजिक संरक्षण सर, आज गणपति बप्पा के दर्शन करके आपने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर शेर काटा है, क्या कहना? ये विशेष वक्त है, आज यहाँ सुनील देवधर जी के आवास में गणपति जी का यहाँ हम पूजा किए हैं, आरती उतारे हैं, क्योंकि आज हमारे लिए एक खास दिन है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। तो इस शुभ अवसर पर
सुनील जी ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को साथ में लेकर के 71 दिया जलाने का कार्यक्रम रखा है। हम मिल करके हमने प्रार्थना की है भगवान से, हमने ये मांगा है भगवान से कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मजबूती दे, लंबी आयु हो और देश के सेवा में जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं वैसे ही आगे करते रहें। और साथ में कई और साथी यहाँ आए हैं, मुझे अच्छा लगा कि इतने लोग एक साथ एक शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं फिर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा हो और हम सबको इस तरीके से नेतृत्व प्रदान करते रहे और भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो हम चल पर हैं इसको हम कामयाबी प्राप्त करें। देखिए इसके लिए मैं साल से काम कर रहा हूँ और जो बुरी अवस्था में नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद और वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को मजबूरी से देश भर में आना पड़ता था पढ़ने के लिए, आपने देखा होगा तो गए 7.5 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ है और जब भी चुनाव हुए हैं तो वहाँ की जनता ने फिर एक बार हमें चुनकर दिया है और आने वाले मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, इन सभी राज्यों में वो फिर एक बार हमको चुनकर देंगे। इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नॉर्थ ईस्ट में भी पहुँच रही है। और एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर भारत के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ पूरे देश भर में जो एट्रोसिटीज़ और अपमान की घटनाएं हुआ करती थी, अगर आपने नोटिस किया होगा 7.5 वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं का जो ग्राफ है वो पूरी तरह से गिर गया है। घटनाएं छोटी मोटी होती होगी लेकिन तुरंत न्याय मिल जाता है और कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के कारण वापस उस तरह से घटना करने का कोई हिम्मत नहीं करता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत में परिवर्तन किया है और पूर्वोत्तर भारत के लिए भी परिवर्तन पूरे देश भर में किया है। इसलिए आज मैंने 10 दिन के गणेशोत्सव के आज जो 7वां दिन था तो आज मैंने ये आयोजन किया कि पूर्वोत्तर भारत के युवा, उन्होंने कहा कि हमें जन्मदिन मनाना है, मोदी जी का केक काटना है, तो मैंने कहा आइए हम लोग बापा के सामने 71 मोदक जो भगवान गणेश को प्यारे उनका भोग चढ़ाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी की आयु लंबी हो और देश के लिए इसी प्रकार वो लंबा समय और कार्य करे। यहाँ पर 71 दिए नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने गणपति बाप्पा के सामने जलाए हैं और आप सब लोग यहाँ पर जो भोजन का आस्वाद है उसका ग्रहण करके जाइएगा, प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। ये बताइए ना, 2 करोड़ पार कर चुके। देखिए आज कोविड के जो महामारी के प्रकोप में पूरा दुनिया डूबा हुआ था उसमें भारत एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और आज ही के दिन लोग उभर के जो आए हैं, 1 करोड़ का वैक्सीन तो दिन को 1 बजे पार कर गए थे, उसके बाद 2 करोड़, तो ये मुझे लगता है कि पूरा देश एकजुट हो गया है और प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर पूरा देश कोविड के, कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरा तैयार है। वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट ड्राइव है, हम वैक्सीनेशन करके अपना आप को सुरक्षित रखें। इसमें जो वॉलंटरीली इतने लोग आ रहे हैं तो ये दर्शाता है कि एकजुट होकर के देश आगे बढ़ रहा है, देश लड़ रहा है, तो ये पूरे भारत के वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। एक गणेश की प्रतिमा अभी होगा, गणेश की प्रतिमा।